मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? राधे राधे, वेलकम बैक टू अंजू मलिक्स व्लॉग्स। आज ये नया व्लॉगर आया है भाई। ये रहा लड़का, स्कूल जाने के लिए तैयार हो चुका, आज टाइम से रेडी। तो इसके पास है आज 10 से 20 मिनट, तो इसीलिए बोला मम्मा आज मैं करता हूँ व्लॉग स्टार्ट। तो आज काव्यांश मलिक कर रहा है व्लॉग स्टार्ट। इधर हो रहा है मेरा दूध गरम, ये हो चुका है तैयार, इसकी चल रही है स्कूल के अंदर रिवीजन, और कुछ काम भी चल रहे हैं ना। हाँ, कल गए थे हम बड़ भात में, जो कि हम रात को आ गए। आने के बाद फिर इसने पढ़ा ट्यूशन। कैसी फीलिंग थी आपकी? बहुत गंदी फीलिंग थी, क्योंकि ये शादी में से थका रहा आया, सामने दिखी इसको अपनी ट्यूशन वाली मैम। भाई एक जगह तो खड़ा कर ली, इस कैमरे को हिलाए जा रहा है। चल बना ले तू। ये मम्मी कूड़ा फेंकते हुए नीचे लटका देते हैं भाई कूड़ा। ये कल हमारे लड्डू आए थे जो हमने डब्बा कर दिया रात को ही खत्म। पापा नीचे आ जाते कूड़े के। नीचे आ गए थे मलिक साहब। फिर लेकिन उन्होंने देखा कि कैमरा ऑन है, तो इसीलिए फिर प्यार से बोला यार देख तो लिया कर, नहीं तो कुछ और तरीके से बोलते। कहा मैंने कहा जा जल्दी, तेरा पापा तैयार हो गया नीचे, जल्दी पहुंचने का है। बाय पापा। भूल गया आज स्कूल में तन्ने जाना है, पापा ने ना जाना। सारी चीजें ले लियो अपनी, वाटर बॉटल वगैरह। चल बाय काव्यांश। तड़का सो रही है हमारी। बोतल कहाँ है तेरी? अच्छा ठीक है, चल बाय बाय। बेल्ट नहीं पहनी? ठीक है तो जा बाय बाय। एक ही गाड़ी आ गई हमारे यहाँ की, और आज आ गई है बहुत जल्दी, और अंदर काव्या सोन लग रही है, इतनी शोर मचा हुआ है ना, सबकी नींद हराम कर जा है। ये इसका पापा ही भी लग रहा है नहीं गाड़ी ले जाऊँ। बाय काव्यांश, जाओ जाओ बाय। ऐसे सिटी बजाते हैं पर मुझे नहीं आती है, क्योंकि ये हमारा लोगों का काम होता है। तो भाई फाइनली दोपहर हो चुकी है, दोपहर का टाइम हो चुका है, पता है 12:37 हो गए, और आज मेरा काम अब तक भी मनाई नहीं हूँ, काम तो निमट गया सारा, खा पी भी लिया। काव्या ने नहीं खाया, मैंने तो खा लिया, और मैंने निकाल लिया साथ में घी। आज इस घी ने दुखी कर दी मैं, यो भाई आज तक निकल के नहीं दिया, इन्हें दुखी कर दिया आज मैं कती। बहुत देर में योगी निकलिया, काव्या नाड़ लग रही है, बैठी है बाथरूम में टपके भीतर। ऐसे ऐसे करते मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है, फिलहाल कुछ और देखते हैं अभी ना। ओ तेरी, रुक जा तेरा मैं बताऊं, अंदर चल। बाहर आ गई थी, भगा दी भीतर, चलो भी इन्हें संभाल लू मैडम ने। चलो जी शाम को किया है दोबारा व्लॉग स्टार्ट, तब तो नहा धो के अपना आराम से खाना वाना खा ही लिया था, बस सो गए थे। अब मैं उठा रही हूँ काव्यांश को, ये उठ नहीं रहा है। मैं इसको कह रही हूँ बेटा उठ जा उठ जा, 5 बज गए हैं, खड़ा हो जा उठ जा, फिर थोड़ी देर पढ़ाई करियो खड़ा। और दूसरी आफत मेरी घूम रही है बाहर ठंडी हवा में, यह देखो वो भागी, बड़ा इतनी ठंडी हवा हो रही है, कती शीत लहर जिसे कहा जाता है, तो सच में शीत लहर हो रही है। ले टोपा पहनो नहीं। जल्दी प्यारा बेटा, किसका प्यारा बेटा? मम्मा का। अच्छा बेटी है ना प्यारी बेटी, जल्दी पहनो। अच्छा बेटा पहन, अनु ने पहन लिया है टोपा, अभी अपनी चला रही है साइकिल। कहाँ जा रहे हो आप साइकिल लेके? घूमने स्कूल। हाँ। अच्छा ठीक है, तो स्कूल चले जाओ, बाय, अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करके आना, ठीक है? हाँ ओके बाय काव्या। ये इसका स्कूल देखो, वॉशरूम के वहां जा रही है। इधर आ जा फटाफट, आओ बाहर। हम चले अपने किचन की तरफ। किचन कहाँ, पहले तो आज सो कपड़े करने हैं, प्रेस बहुत सारे, और इतने कपड़े ये अभी फोल्ड करके रखने हैं बच्चों के। ये देखिए बेड पे मेरा घमासान माचो है, इधर भी
पहले ये कपड़े अच्छे से फोल्ड वोल्ड करके इनके अलमारियों में दोनों की मैं डालूंगी, प्रेस करने वाले प्रेस करूंगी। ये वापस आ गई मेरे साथ, स्कूल से आ गई। तो ये कौन सा तरीका था इसको जगाने का? ओए काव्या, नो, बड़ा भाई ना, प्यारा भाई ना, प्यारा भाई है ना, प्यारी किया कर भाई को। भाई की है जैकेट, हाँ सब कुछ तेरा। जैकेट पहनने दे, चल मैं काम कर लेती हूँ अपना, मैं कर लेती हूँ ये कपड़े फटाफट फोल्ड। ये मम्मी कर रही है कपड़ों पे प्रेस। हाँ भाई बहुत सारे हो गए थे, सारे खत्म करने हैं फटाफट। काव्या लेके आई शादी का कार्ड। काव्या हमारे लिए इनविटेशन लेके आई है शादी का। ये हमारे नेबर्स हैं, उनकी शादी है 8 तारीख की और 9 तारीख की, ठीक है? तो 8 तारीख का हमारे इनविटेशन है शादी का, तो हम जाएंगे फिर शादी में। चलिए ठीक है, पहले तो फिलहाल जो आगे का काम है वो कर लेती हूँ। लो भाई काम धाम तो मेरा सारा हो गया है पूरा, रोटी रोटी बना दिए, काव्यांश आज खा नहीं पाया, उससे पहले ही मैम आ गई तो वो पढ़ रहा है, मैं बैठी हूँ शाम से रजाई में। दूसरी औलाद गई हुई है अपने दादा दादी के पास। मैं आपने पता एक बात शेयर कर रही थी आपसे, हम कल जिस बात में गए थे ना वहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात लगी मुझे बात की। वो क्या थी कि उनने है ना जो भात था वो कुल 100 रुपये का लिया उनने। वो बोले कि हमने ये आपसी रिवाज अपने परिवार में निकाल रखी है कि हम जो पंचायती जो भात रहा करें, जो थाल में पैसे दिया परात में जो भी आपका हो जो भात दिया करें, वे सिर्फ हम 100 रुपये का लेंगे, ये हमारा नियम है। नहीं तो न्यू लगा लो जो उनके खुद के सगे जो आ रहे थे जो मेन बाती थे वे भी मेरे ख्याल से एक लाख तक ऊपर का भात वे भरने लग रहे थे। अरबड़ बात हमने भाई अपने अनुसार हमने कर रखा था, लेकिन वे साफ नाट गए जब पंचायती बात लिया करें बैठे आ करें लेने दी, उसमें साफ उनने मना कर दिया कि हम लेंगे 100 रुपये का भात, क्योंकि ये हमारी रिवाज है, हमने ये रिवाज आपसी में अपने कुनबे में काट रखी है। तो यह बहुत अच्छी बात लगी मैंने। रीज़न यो है क्योंकि कई बार है ना हम इस दिखावे के चक्रा में किसने कितना परेशान कर दें पता नहीं चलता। अगले आदमी का कितना ब्योथा नहीं था लेकिन वो सिर्फ दिखावे में के दिखावा करना है दिखाना है, उस चक्कर के मैं पता ना वो के गलती कर जाए, खाम खाका सर पे सरदर्दी लेके कर्जा करके या अपनी आत्मा और दुखाकर वो उस चीज़ ने वो पूर्ति करे है। तो ये बहुत बढ़िया बात है, मैं तो कहूँ बहुत अच्छी रिवाज है, तो परमानेंट चला दो सबके, ये दिखावेबाजी ख़त्म हो जाए। 51 लाख का 50 लाख का बात भर गई, वो भर गई, बढ़िया बहुत अच्छी बात है, 100 रुपये का बात। तो बंद करो ये दिखावाबाजी, कुछ नहीं रखा इसमें, ठीक है ना भाई? तो अभी कर रही हूँ इंतज़ार काव्या रानी का आने का, आ जाए, 9 बजने वाले हैं, अभी तक तो पदारी नहीं है मेरी। दोनों औलादा में तो कोई ने भी रोटी नहीं खाई है, मैं तो खा चुकी। भाई तूफान आ चुकी है मेरे ऊपर और इधर काव्यांश अड्रामे करती हुई, या रुक जा काव्या ये तेज लगेगा भाई को, मतलब इसका वो काम है अंगाई भी बाद करे रो भी बाद। ये देखो हाल के कर रखे है कमरे का, हाँ बस इन नचा लो, एक गाने एक 1 और 1 2 आगे पीछे आगे पीछे। ये इधर इसका वो है डीजे मैन, एक गाने लगानिया, यो गाने लगाओ हरियाणा नाचे है। ये देखिए इतनी समझदार लड़की बन के अब ये लेट चुकी है, अच्छी बच्ची बन गई है ये, अब आराम से लेट गई है, अच्छी बच्ची बन जाती है ये। काव्या अब आप अच्छे बच्चे बन गए हो। हाँ। मैम ने क्या दिया आज आपको? टॉफी। हाँ। और आपने मैम को क्या बोला? थैंक यू। हाँ। अच्छा कैसे बोला था? टू। थैंक यू, यो इसका थैंक यू था। ओ, गिरती बेड पे तो जाती नीचे। थैंक यू, ओ थैंक यू, रजाई उड़न का ओ तरीका लौट गए भाई। टाइम हो चुका है इस ब्लॉग को एंड करने का, कल फिर मिलेंगे एक और नए दिन और एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, भगवान आप सबको खुश रखे।